देखिए, ये सूचना प्राप्त हुई और कई सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि त्रिपुरा की कथित घटना को लेकर रतलाम में बंद का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में हमने कल उनको शहर काजी साहब को बुलाया था, हमारे और एसपी साहब को, उनसे बात हुई, उनके साथ और भी लोग थे। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि रतलाम में किसी को भी, चाहे वो किसी समुदाय का व्यक्ति हो, माहौल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक ऐसी घटना जो किसी दूसरे प्रदेश में हुई है कि नहीं हुई है, उसकी क्या सत्यता है, ये वहाँ की सरकार जाने या माननीय न्यायालय उसका संज्ञान ले ले रहा होगा। उसके बारे में रतलाम में विरोध प्रदर्शन करना और वो भी बंद का आयोजन करना, ये उचित नहीं है। लोकतांत्रिक विरोध के और तरीके होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, कई प्रतिदिन कई लोग किसी घटना के विरोध में, अगर उनको लगता है, तो ज्ञापन देते हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। मैंने उनको ये भी सजेस्ट किया था कि आपको इस तरह की घटना से, अगर आपको कोई परेशानी है, आपको लगता है कि आपको विरोध प्रदर्शन करना है, तो आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते समय करते हुए ज्ञापन दे सकते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा, रतलाम जिले का माहौल बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आज पुनः दोहरा रहा हूँ, हमारी नज़र उन लोगों पे है जो सोशल मीडिया में इस तरह के खबरें फैला रहे हैं, और अगर उन्होंने कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो कार्रवाई सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी। ऐसे लोगों के सारे काले धंधे, उनका भी परीक्षण किया जाएगा, चाहे अवैध निर्माण हो, दूसरे धंधे हो। और हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग पूरी तरीके से, उन पे कानून का की सख्ती हो, और हम उसके लिए कृतसंकल्प हैं। इस संबंध में मैं क्लियर करना चाहूँगा कि रतलाम में सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं, जहाँ शहर काजी साहब के पत्र वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा बंद का आह्वान किया जा रहा है। इस संबंध में मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक तौर पर कोई भी बंद या प्रदर्शन करता है तो उसके लिए अलाउ है, लेकिन इस तरह से कोई जोर जबरदस्ती अगर करता है और बिना तथ्यों को जांचे अगर भ्रामक जानकारी अफवाह फैलाने का प्रयास करता है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में अभी तक शांति का माहौल है, यहाँ पर यहाँ की शांति व्यवस्था को किसी भी हालत में किसी के द्वारा डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है और उनको किसी प्रकार का अधिकार दिया भी नहीं जाएगा। इसमें हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें मेरा सभी से आग्रह है, जिसको भी, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको उसकी दुकान खोलने से या उसको दुकान तक जाने से कोई भी रोकता है, जिसकी जानकारी आप हम लोगों को तो उपलब्ध कराएं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी हालत में, किसी भी तरह की अगर कल दिक्कत आती है, अव्यवस्था होती है, अशांति फैलती है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आह्वानकर्ता होंगे, क्योंकि उन्होंने अगर आह्वान किया है तो उनकी जवाबदारी है इस चीज़ को देखने के लिए कि वहाँ पर व्यवस्था बनी रहे, किसी भी हालत में अव्यवस्था न फैले। अगर कहीं भी विवाद की स्थिति आदि निर्मित होती है, तो सबसे पहले आह्वानकर्ता पर ही कार्रवाई की जाएगी कि आपने इस तरह का आह्वान किया क्यों, जबकि वो मैटर यहाँ से रिलेटेड है भी नहीं, न ही उसकी सत्यता की कोई जांच की गई है। लेकिन इस तरह भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है आम जनता के बीच में, जनता के बीच में तनाव की स्थिति पैदा की जा रही है, जो किसी भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।